किशनगंज के चूड़ी पट्टी में बिहार और पश्चिम बंगाल पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाई बेचने के आरोप में मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर में रेड की है, जहां से सोनी नाम की संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि महिला का पिता और उनका बेटा पहले से ही इस मामले में जेल जा चुके हैं। अब सोनी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने इस मामले में यह भी खुलासा किया है कि सोनी के बैंक खाते में करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है, जिस पर जांच चल रही है। ड्रग्स के मामले में जो है लोग छापेमारी कर रहे हैं, चेक चेक कर रहे हैं, हाँ। और जो है पूछताछ करने के लिए आया। किशनगंज में सर्दी की बेदर्दी से बचने के लिए जमियते उलमाए हिंद ने कंबल वितरण किया है। मदरसा अंजुमन इस्लामिया में डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश, एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी, जेडीयू नेता मास्टर मुजाहिद आलम के हाथों एक साथ सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। इस मौके पर जमियत के सूबाई सदर भी मौके पर मौजूद रहे। जमियत उलमाए हिंद हमेशा से ही असहाय और गरीबों के बीच इसी तरह का सामाजिक कार्य को अंजाम देता रहा है। द्वारा किशनगंज चैप्टर है, उसके द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम जो है उसका सिंबॉलिक आज इनॉग्रेशन, और हम लोग जो है सभी खंड में और नगर पंचायत क्षेत्र जो है वहाँ जमीत उल महिंद के द्वारा लगभग 5,000 कंबल वितरण किए जाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा भी लगभग 1200 कंबल का वितरण किया जाएगा, क्योंकि इस कोल्ड वेव में शीतलहर में सब लोग को काम आएगा। किशनगंज में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी हैं। नगर के गांधी चौक पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मास्क का वितरण किया गया है। एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी और रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव राहगीरों के बीच मास्क और चॉकलेट का वितरण किया है। इस मौके पर लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। जागरूकता फैलाना जरूरी था। जिन लोगों ने मास्क पहन कर रखे थे उनको प्राइज स्वरूप मीठा करने के लिए टॉफी दिया जा रहा था, और ये रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आयोजन की गई थी, जिसमें उनकी का अहम रोल है। और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना उनको 50% पेनल्टी, और तब उसके बाद मास्क पहना। लेकिन आज मास्क वितरण नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क वितरण कर रहे थे ताकि लोगों में जागरूकता फैलाए। खाली पेनल्टी करना हमारा मकसद नहीं है कि हम खाली 50 रुपये फाइन करें और मास्क दें। आज बिना निःशुल्क मास्क वितरण किया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाए। किशनगंज जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर अभियान जारी है। 15 से 18 साल के किशोर और किशोरियों के लिए अलग अलग स्कूलों में कैंप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। मंगलवार को नगर के गर्ल्स हाई स्कूल वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जहां पर दर्जनों किशोरियों ने कोविड की पहली डोज ली है और आम लोगों से अपील की है कि कोरोना को भगाने के लिए टीका लेना ना भूलें। किशनगंज एएमयू सेंटर के लिए फंड की मांग को लेकर युवाओं ने अभियान छेड़ दिया है, जिसका जबरदस्त रिस्पांस मिलने लगा है और कारवां बनता जा रहा है। खबर सीमांचल के आह्वान पर डिजिटल अभियान से देश दुनिया के हजारों लोग रोजाना जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में फंड की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाएगा, जिसके लिए अभी से जनमानस तक सूचना पहुंचाने का काम किया जा रहा है और समाज के हर तबके से सहयोग की अपील की जा रही है।